हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ख़ान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने एक नई टिप के साथ। अच्छा, छोटे मोटे ज़ख्म हो जाएं घर पे तो लोग क्या करते हैं कि उसको वॉश करके और उस पर कोई ना कोई ऑइंटमेंट लगा रहते हैं, जो भी अवेलेबल होता है घर में। बहुत सही करते हैं आप। और उसके बाद अगर सनी टेप, छोटे से जो स्ट्रिप आती हैं वो लगा लेते हैं या ड्रेसिंग कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही करना चाहिए आपको कि ज़ख्म को धोने के बाद जो है ऑइंटमेंट लगा लें या उसको साफ़ करके जो है वो ड्रेसिंग ड्रेसिंग कर लें। लेकिन अगर वो ज़ख्म जो है क्या कहते हैं कुछ ऐसी अलामत दे जिससे गड़बड़ होने के चांसेस हों, तो फिर आपने जो है डॉक्टर को रिव्यू करना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने जो है अगर ज़ख्म हो जाए तो डॉक्टर के पास कब जाना है। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि आगे अगर मतलब कुछ ज़ख्म हो जाए आपको तो किस पर जो है डॉक्टर से रजू करना है आपने। तो मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर आपका खून निकल रहा है कहीं से और 5 से 10 मिनट तक खून रुकता नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा जो है ज़ख्म अगर 1.5 इंच से बड़ा है, यानी कि 1.5 इंच से साइज़ में बड़ा है, तो फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। अगर ज़ख्म जो है क्या कहते हैं आँख के करीब है तो भी आपने जो है वो डॉक्टर से रजू करना। हो सकता है अंदर कोई इंजरी हुई हो, ज़ख्म में दोनों जो हिस्से हैं तो ज़ख्म के अगर कोई कट गया है कुछ है तो फासला है काफ़ी, और क्या कहते हैं या फिर कोई हम कहते हैं आम जबान में थड़े से लटक गए हैं, स्किन के अलग अलग हो गए हैं बिल्कुल, तो वो भी आपने डॉक्टर से रजू करना है। ज़ख्म किसी गंदगी या जंग आलूद जो है क्या कहते हैं वजह से हुआ है, किसी ऐसी जगह से लगा है जहाँ पे जंग लगा हुआ था या गंदगी लगी हुई थी, तो भी आपने जो है वो डॉक्टर से रजू करना है। ज़ख्म में बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो शिकायत हो रही है कि जी ज़ख्म जो है मुझे लग रहा है ठीक नहीं हो रहा, तो भी डॉक्टर से रजू करना है। सिर्फ ज़ख्म में जो है वो बजरी मट्टी इस तरह की कोई चीज़ घुस गई है तो भी आपने डॉक्टर से रजू करना है। ये सारी चीज़ें जो है इन्फेक्शन कर सकती हैं, तो अगर कोई इन्फेक्शन की अलामत हो जैसे कि वो हिस्सा सूज गया है, बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, उसमें से पस निकल रहा है या आपको बुखार शुरू हो गया है, तो भी आपने डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा, जानवर के काटने पे या इंसान के काटने पे भी आपने जो है डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि उसके लिए आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन या कुछ इस तरह की एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है जो डॉक्टर ही आपको बता सकता है। अच्छा, इसके आखिर में फिर ये भी कहूँ बता चलूँगा आपको कि अगर आपकी जो है वो टेटनस की वैक्सीन का आपको याद नहीं है कि लगी है नहीं लगी है और आपको यकीन नहीं है कि वो पूरे लग चुके हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि टेटनस या तशन्नुज जैसे हम कहते हैं उर्दू जबान में, वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है ज़ख्म की वजह से। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, और देखते रहिए मेरी वीडियो, शेयर भी करते रहिए और एन्जॉय कीजिए। टेक केयर, अल्लाह के।